शिवपुरी में रंगपंचमी पर लठमार होली का आयोजन। शहर में आज शुक्रवार लुधावली क्षेत्र के प्राचीन शिव मंदिर पर वर्षों से चली आ रही प्रथा के तहत रंगपंचमी मनाई गई। रंगपंचमी के पर्व पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ एकत्रित हुई। जहां पुरुषों ने महिलाओं पर खूब गुलाल फेंका तो वहीं महिलाओं ने गुलाल फेंकने वाले पुरुषों को दौड़ा दौड़ा कर लाठियां भांजी। वहीं पुरुष अपने आप को मंदिर के इर्द गिर्द बचते बचाते नजर आए। बता दें यादव समाज और पाल समाज के द्वारा रंगपंचमी पर यह आयोजन वर्षों से होता चला आ रहा है। रंगपंचमी के अवसर पर झंडा नाम का एक विशेष कार्यक्रम होता है। इसके अतिरिक्त आज के दिन नाल उठाने के कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है, जहां जिले के साथ साथ अन्य जिलों के खिलाड़ी और ग्रामीण नाल उठाने की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। झंडा निकालने पर पड़ती हैं लाठियां। इस आयोजन में एक झंडा का नाम एक आयोजन किया जाता था, जहां एक लाल रंग के कपड़े में इनाम के तौर पर कुछ गुप्त रुपयों को रखा जाता था। इसके बाद इमली के पेड़ से काट लाई गई टहनी को जमीन में गाड़ कर उसके ऊपरी सिरे पर लाल रंग के झंडे को बांध दिया जाता था। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होती है, जहाँ पुरुष गुलाल उड़ाते हुए पेड़ पर बंधे झंडे को निकालने का प्रयास करते हैं, वहीं महिलाएँ हाथ में लाठी लेकर झंडे को ले जाने से रोकती हैं। क्या नाम है आपका? विद्यापाल। हाँ, ये आज आपके यहाँ लठमार होली हो रही है। होली होती है। किस तरह से मनाते हैं आप लोग? बहुत परंपरा चली आ रही है, बहुत सालों से, कई सालों से। तो कैसे खेलते हैं आप होली? हम ऐसे खेलते ही हमारे झंडा, इसमें इनाम बनी रहती है, तो जी हमें रंग वगैरह डालते हैं, इसको उखाड़ने आते हैं, हम इसमें लट देते हैं। तो लट इंसानों में, आदमियों में मारते हैं? आदमियों में देते हैं हम, खेलते हैं होली। जब ये उखाड़ लेते हैं तो इनाम कितनी की रहती है? उसमें इनाम बनी रहती है, तो पता नहीं, अभी निकालते हैं जब पता चलता है। अच्छा, कपड़े में बनी रहती है? कपड़े में अंदर बनी रहती है। जब भी उखाड़ के ले जाएंगे पता चलेगा। कहाँ पे मनाते हो आप ये? लुधावली चोपड़ा कुगा। क्या नाम है आपका? कालीचरण यादव। कहाँ रहते हो आप? यही लुधावली में। आज होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज रंगपंचमी है, यहाँ पे हमारे यहाँ झंडा होता है लुधावली में। कई वर्षों से परंपरा से चला आ रहा है हमारे यहाँ पे झंडा, और झंडा इसमें हमारे इनाम भी बांधते हैं जो गुप्त रखते हैं। झंडा उखाड़ने वालों को इनाम दी जाती है, और सभी समाज हैं यहाँ पे इकट्ठी होकर झंडा को अच्छी तरह से विधि विधान से, और इसको हर साल मनाया जाता है। तो आप होली मनाते हैं, किस तरह से मनाते हैं, कैसे मतलब स्टार्ट करते हैं आप? जैसे निकालने के लिए जाते हैं? कोई समय नहीं है, बहुत समय से चला आ रहा है, और काफ़ी समय हो गया है, वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो होली में कौन कौन शामिल होते हैं? मतलब महिलाएं भी झंडा देती हैं। जब हम झंडे को उखाड़ने के लिए जाती हैं तो महिलाएं झंडा नहीं उखाड़ने देती हैं, इसीलिए यहाँ पे जिसको झंडे का वो रखा गया है, बहुत सारी महिलाएं आती हैं पूरी कॉलोनी से। जब झंडा उखाड़ लेते हैं तो उसमें इनाम राशि मिलती है? इनाम राशि मिलती है, झंडा उखाड़ने वाले जितने भी लड़के रहते हैं हम सब मिलके लेते हैं उस इनाम में। कितनी निकलती है उसमें राशि? जितनी भी निकल जाए गुप्त रहती है, कभी 5,000 भी निकल जाए, कभी 3100 निकल जाए, जैसे कमेटी के ऊपर है, कमेटी उसमें कितनी गुप्त दान में बांध दे। तो इसमें सबसे ज्यादा सहयोग किसका? यादव समाज का रहता है। समाज का, पाल समाज का सबसे ज्यादा रहता है। यादव समाज, पाल समाज दोनों का सबसे ज्यादा सहयोग पे मनाई जाती है, और अन्य सभी आते हैं इसमें। कहाँ पे मनाई जाती है होली? लुधावली में अपने चोपड़ा कुआ के पास में शंकर जी के मंदिर पे।